Okay, good morning everyone. Today I am going to start chapter number 8 from part 1 and this is the last chapter of class 11. Okay, class 11 का first part का ये last chapter है, ठीक है? ये नहीं कि कोई class 11 आपकी खत्म हो चुकी है. मैंने आपको rotational motion में मैंने आपको बताया था, वो आपकी 7th chapter थी. ये आपकी first part की NCERT की first part की ये last chapter है gravitation के बारे में, ठीक है? इसी से आप लोग वेरी वेल अवेयर अबाउट ग्रेविटेशन इन क्लास 9 एंड ओके. सो हम लोग ये बात करेंगे ग्रेविटेशन क्या होती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल क्या होती है, ठीक है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का थर्ड जो लॉ है वो ग्रेविटेशन से कैसे रिलेट करती है ये मैंने बताऊंगा आपको इस चीज में. उसके बाद मैंने बताऊंगा आपको न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ क्या होती है, ठीक है? रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी क्या होती है, ये सब सारी बात जो है आप ऑलरेडी 9 क्लास में देख चुके हो क्योंकि उसमें भी आपको ग्रेविटेशन पढ़ना है. बट थोड़ी सी इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा है ना डेवलप करेंगे इस चीज में हम लोग की. आप जैसे मैंने आपको बताया था क्लास 9 में या जूनियर क्लास में आपको पता होगा कि स्मॉल जो ए होता है एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, एक आपकी वेरिएबल थिंग होती है. क्या होती है, वेरिएबल थिंग होती है जो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्सिस पे लगता है. लेकिन जो कैपिटल जी और स्मॉल जी होती है वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है. ये बात सिर्फ कहां तक थी आपको, 9 तक थी. लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि वहां पे आपकी जी की वैल्यू 9.8 होती है यहाँ पे चेंज कर जाएगी. लेकिन यहाँ पे चेंज करेगी उस टाइम पे जब थोड़ी कुछ कंडीशंस डिफरेंट आती है, ठीक है? जैसे कुछ हम लोग हाइट भी करते हैं, कुछ हम लोग हाइट से नीचे कर जाते हैं, तो कुछ इसमें बहुत सारी बात आएगी आपको. उसके बाद हम लोग इसके बेस में पढ़ेंगे, आप लोग कैपलर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? प्लानिटरी ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स वी नो अबाउट द व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन मीन्स क्या होती है, ठीक है? ये जानेंगे हम लोग. सबसे पहले ध्यान रखेंगे ग्रेविटेशन का हिंदी होता है क्या, गुरुत्वाकर्षण. क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है? ये ग्रेविटेशन में आपको मैं इस ग्रेविटेशन में मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है? या ध्यान रखेंगे ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण फोर्स उसे बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण उसे बोला जाता है जब बोला जाता है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है. क्या होती है, म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है, द अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. और ये ध्यान रखिएगा द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है? गौर कीजिएगा मैंने आपको क्या बोल रहा हूं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रही है. समझ में बात आ रही है सर? यहां से एक बात क्लियर हो जाए, ये समझ में आ रही है अभी तक ये क्लियर हो रही है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है? आप ये मत समझ जाना कि एक मैग्नेट यह है एक मैग्नेट यह है, दोनों मैग्नेट के बीच में भी अट्रैक्शन होती है, ठीक है? नहीं, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट के बीच की बात कर रहा हूं. अगर आप क्लियर रूप से समझना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट की मास की मैं बात कर रहा हूं. किसकी बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट की मास की मैं बात कर रहा हूं. अगर यहां पर आपको यह पता है कि एक मैग्नेट है मेरे पास और एक मैग्नेट और है, दोनों मैग्नेट के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, दोनों मैग्नेट के बीच में जो फोर्स की प्रोडक्शन होती है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. क्या करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स करते हैं, ठीक है? अगर दो चार्ज के बीच में यहां पे फोर्स डेवलप किया है, दो चार्ज के बीच में फोर्स डेवलप किया है, तो इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है, ठीक है? ये सिर्फ आपकी क्लास 12 की बात है, क्लास 12 में बताऊंगा, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं बिटवीन दो के बीच में. तो यहां ध्यान रखिएगा कि ग्रेविटेशन तभी अप्लाइड होती है जब दो ऑब्जेक्ट की मासेस के बीच में, ठीक है? अगर कभी पूछेगा कि ग्रेविटेशन किसके बीच में अप्लाइड की जाती है, तो बाबू ग्रेविटेशन हमेशा और हमेशा दो ऑब्जेक्ट की मासेस के बीच में अप्लाइड होती है. सपोज मैं ये कह सकता हूं हमारी पूरी दुनिया में यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी एक दूसरे की गुरुत्वाकर्षण फोर्स अट्रैक्शन किया हुआ है. अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो इसके पास भी अपनी मास है, ठीक है? अब यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप जिस प्लेस पे बैठे हुए हो, अगर फैन चल रही है, बेंच रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, चेयर रखा हुआ है, कुछ भी अगर ऑब्जेक्ट दुनिया में रखी हुई है, जितने भी ऑब्जेक्ट है सभी के पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. वो कहां करती है, पृथ्वी अपनी ओर अट्रैक्शन करती है. तो यहां पर अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशन जो होती है दो मासेस के बीच में लगती है,
मैग्नेटिक फोर्स जो होता है दो पोल के बीच में लगता है, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दो चार्ज के बीच में लगता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज के लिए बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं दो मासेस के बीच में। अब ये मत बोलना कभी कि सर दो के बीच में लग रही है, दो के बीच में तो चार्ज भी लगती है तो उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। दो के बीच में हमारा पोल भी है, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। नहीं, हमारे पास ग्रेविटेशन में सिर्फ और सिर्फ दो मासेस के बीच में लगेगा। तो हम ग्रेविटेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, बोल सकते हैं द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस। ओके, सो वन ऑफ द अनदर मासेस, वन ऑफ द अनदर मासेस इट अट्रैक्ट व्हाट इटसेल्फ ओनली। बोला क्या गया है कि ग्रेविटेशन किसे बोला गया, ठीक है, तो समझिएगा। नाइन क्लास में देखिए डेफिनेशन क्या होती है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगाई गई है, दो ऑब्जेक्ट की मासेस के बीच में जो फोर्स अप्लाइड की गई है उसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, ध्यान रखिएगा कि द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, ओके, एंड वन ऑफ द अनदर मासेस, एंड वन ऑफ द अनदर मासेस इट अट्रैक्ट द अनदर वंस। बोला क्या गया है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स, लेकिन इसमें एक ऑब्जेक्ट ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे वाले को अपनी ओर खींचता हो, एक ऑब्जेक्ट इसमें ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे को अपनी ओर खींचता हो। इसका मतलब है कि यहां पे एक कोई ऐसी मास होगी जो दूसरे वाले से ज्यादा ग्रेटर फोर्स अप्लाई कर रही है, दूसरे वाले से फोर्स ज्यादा अप्लाई कर रही है। तो यहां पे इस प्रकार से भी ऐसा लिखा जाता है F12 बोले तो कह सकते हैं फोर्स जो है ये वन वाली फोर्स जो है टू पे फोर्स अप्लाई कर रही है, टू पे फोर्स अप्लाई कर रही है, और टू वाले जो है किस पे फोर्स अप्लाई कर रही है, वन पे कर रहा है। तो क्या लिख सकते हैं F21। लेकिन ये जो है ये रिलेटिव है, ये जो फोर्स है रिलेटिव फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है। मैं आपको क्लियर करूंगा इसके बाद में कि न्यूटन्स लॉ ऑफ हडल मोशन जो है, न्यूटन्स के जो तीसरा नियम है और ग्रेविटेशनल लॉ में क्या डिफरेंस है मैं बताऊंगा अभी। तो यहां पे समझिएगा, तो ये वाले क्या है, रिलेटिव फोर्स है, इसलिए लिखा जाता है माइनस। क्या लिखा जाता है, माइनस। तो ये बात समझ में आ गया कि वन वाले टू पे लगाया, ये वाले टू पे इस पे लगाया है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, दिस इज कॉल्ड ए ग्रेविटेशनल फोर्स। बट हम लोग के जो चैप्टर में जहां से टॉपिक दे रखा है क्लास 11 में, वो किसके बारे में दे रखा है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब यहां बोला गया है सर, हमेशा हर कंडीशन में, यूनिवर्स में कहीं भी, जब यूनिवर्स की बात आ गई तो यहां पे कंट्री स्टेट और आपकी वर्ल्ड की बात नहीं आ सकती है, जब यूनिवर्स का मतलब ही हो गया पूरी ब्रह्मांड में, ठीक है। तो क्या ये जो बात आप बता रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरी ओर खींचा जाता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरी ओर खींचा जाता है, देखो ये मेंशन वाली वो वाली बात मत समझो, वो बेवकूफी वाली बात है कि न्यूटन ने कहीं सेव के पेड़ के पास बैठा हुआ था, वहां से एक सेव टपक गया, उस समय से उन्होंने खोज कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं थी यार। पहले भी हमारे न्यूटन को बताने के पहले भी हमारे प्लैनेटरी मोशन वर्क कर रहा था, केपलर्स लॉ वर्क कर रहा था, ठीक है। वहां भी पहले भी ये पता चल गया था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं एक दूसरे के ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण के बल पे वो क्या करते रहता है, अट्रैक्शन नहीं हो पाती है। ये बात समझना, तो ये वाली बात नहीं, इसी से छोटी सोच से ये नहीं हो सकता है कि डेवलप हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप हुआ है कि नीचे की ओर सेव गिर गया तो इससे हमारी फोर्स आ गई, नहीं, ये उतनी बात नहीं होती है। वो बस आपको बताया जाता है, समझाया जाता है कि एक वहां पे बैठे हुए थे, है ना, एक सेव नीचे की ओर गिर गया, इसका मतलब ये वहां पर बताया, कहानी बन गई, महंगन कहानी बन गई है कि आखिर ऑब्जेक्ट नीचे की ओर ही क्यों गिरता है, ठीक है। तो यहां पे अपनी भेजा लगाओ यहां पे कि पहले वाली मास दूसरी वाली मास में, दूसरी वाली जो मास होती है वो पहली वाले से ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से होती है, हाँ ना, ये बात हम लोग समझेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। मतलब यह क्या बोला गया है कि न्यूटन्स के जो यूनिवर्सल लॉ है, जो वास्तविक सत्य होते हैं गुरुत्वाकर्षण पे, क्या ये सत्य है, क्या इस पे सही से बताया गया है जो पूरे यूनिवर्स पे रूल फॉलो करती है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, न्यूटन्स ने क्या रूल्स दिए थे, न्यूटन साहब ने क्या रूल्स दिए थे, वहां पे बताया गया था कि फोर्स जो लगती है, फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, है ना, फोर्स
force of attraction between two masses is directly proportional to gravitational force. क्या बोला गया है कि जब भी फोर्स अट्रैक्शन की जाएगी किसके बीच में, बिटवीन टू मासेस के बीच में. यहां पे मैं मैथमेटिकली भी आपको समझाऊंगा, आप पहले समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, इस चीज को गौर कीजिएगा, टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फोर्स. बच्चों यहां पे बोला गया है कि फोर्स जो अप्लाइड की गई है इस ऑब्जेक्ट पे और इस ऑब्जेक्ट पे, दोनों की प्रोडक्ट है. मतलब यह कह सकते हैं हम लोग कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट. क्या बोला गया है कि जितना मैं फोर्स इस पे लगाऊंगा उतना ही फोर्स m2 पे भी लगेगी. ये डायरेक्टली का मतलब क्या होती है भागो, डायरेक्टली का मतलब होता है इफ फोर्स को इंक्रीज करेंगे दोनों मास के बीच में जो आपके डिस्टेंस हो क्या करेगी, आपको डिक्रीज करेगी. मतलब कि जितना इस पे लगाएंगे उतना इस पे भी लगाएंगे, ठीक है. उसके बाद और एक क्या रूल्स दिए उन्होंने, बोले क्या कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके स्क्वायर का, डिस्टेंस की स्क्वायर का, किसके बीच की, दोनों की मासेस के बीच की. बात समझ में आ रही है, दोनों की मासेस के बीच की इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर जो है जितना मैं फोर्स लगा रहा हूं उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. हम लोग यहां पे इस प्रकार से बोल सकते हैं कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इसका मतलब है यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने क्या लिया हूं, आर लिया हूं. कोई जरूरी नहीं है कि मैं आर लिया हूं तो आप भी आर ले सकते हो. आप यहां पर डिस्टेंस डाल दो, डी डालो. अगर यहां पे डी डालोगे तो कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजिंग यह होती है कि डी कहीं मतलब यह मत समझना कि डायमीटर के बारे में, ठीक है. ध्यान रखिएगा आर जो आपका डिस्टेंस या डी से डिस्टेंस बोल सकते हो, ठीक है. तो यहां पे ये आपका दूसरा क्या आ गया, दूसरा इक्वेशन हो गया. सर यहां पे इनवर्सले का मतलब क्या होती है, मतलब यह होती है कि जब आप फोर्स को इंक्रीज करोगे दोनों के बीच क्या डिस्टेंस क्या होगा, घटेगा. देखो इस पे फोर्स लगा रहे हो, इस पे फोर्स लगा रहे हो, कुछ समय के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, कुछ समय के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा. इसका मतलब है ये भी आर घट गया, कुछ आर ये घट गया, तो ये दोनों के आर इंटू आर क्या होगा, आर स्क्वायर होगी. तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये क्या है आपकी, यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन का. सो फर्स्ट लॉ क्या बताया है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. एंड सेकेंड वन जो है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. हाँ ना, बात समझिएगा. कभी कभी क्वेश्चन यहां पे ये पूछता है व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ. सो दिस इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ. ओके, अगर बोलेगा कि व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है ग्रेविटेशन में, तो सेकंड वाली इक्वेशन जो है यही क्या है आपका, इनवर्स स्क्वायर लॉ है. ओके, अब यहां पे देखो बाई मैथमेटिकली के टर्म पे ये तो आपको डेफिनेशन दिए है, ये वाली क्या है डेफिनेशन दिए है कि हमारे यूनिवर्सल ये फैक्ट है कि हम दो मासेस के प्रोडक्ट के बीच में जो फोर्स अप्लाइड की जाएगी दोनों में जो फोर्स अप्लाइड होगा इसकी भी रेडियस में डिक्रीजमेंट होगी, इसकी भी रेडियस में डिक्रीजमेंट होगा, तो फोर्स हमारा इंक्रीज करेगा. अगर हम फोर्स को क्या करते हैं, स्लो करते हैं, तो ये क्या होगा आपको रेडियस में इंक्रीजमेंट आएगी. बच्चों अब देखो बाई मैथमेटिकली ये क्या आता है, ठीक है, यहां पर गौर कीजिएगा. इफ डायरेक्टली m1 m2 एफ इनवर्सली आर स्क्वायर. ओके, ये दोनों जो टर्म है, ये जो दो टर्म आपका दिया हुआ है, ये दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगी. कांस्टेंट टर्म आएगी और इसे हम लोग मैथमेटिकली फॉर्मूला के तहत में हम लोग फाइंड करने के लिए निकाल सकते हैं. एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी
एम वन एम टू डिवाइड बाई एर स्क्वायर। बोले तो यहां पे ये दोनों की बी से क्या आ गया, कॉन्स्टेंट टर्म आ गया है। इसका मतलब है कि जी जो हमारा है ये क्या है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है। मैं बताऊंगा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे आप ये देख लो ये क्या आ गया आपको, m1 एंड m2 क्या है बाबू, मासेस, मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। एंड r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गया। और क्लियर हो गया आपको, यहां पे देखो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन ही होगा, क्या होगा ये न्यूटन ही होगा, लेकिन मुझे फाइंड करना है किसकी यूनिट फाइंड करना है, कैपिटल जी आखिर क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है बच्चों। तो यहां पे क्या करेंगे, जी इज इक्वल टू एफ क्रॉस एर स्क्वायर डिवाइड बाई एम वन इन टू एम टू, ओके, एम वन इन टू एम टू। अब देखो बाबू ये फोर्स की यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, रेडियस क्या है मीटर, तो क्या बन जाएगा ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई ये मास इनटू मास बोले तो केजी स्क्वायर, क्या हो गया यार केजी स्क्वायर, क्या मैं लिख सकता हूं इस प्रकार से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी, यूनिट ऑफ कैपिटल जी। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की क्या निकल गया आपको, यूनिट निकल गया, ठीक है ये बात समझ में आ गया। अब अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो यूनिट निकला है कौन सी यूनिट है आपको, एस आई यूनिट है, कौन सा है, एस आई है। कभी कभी यहां पूछी जाती है सीजीएस यूनिट क्या होगा, क्या पूछी जाती है सीजीएस, सीजीएस क्या होगा, तो न्यूटन का सीजीएस क्या होता है, डाइम होता है, क्या होता है डाइम होता है, और मीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, और केजी क्या हो जाएगा ग्राम में हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्राम पर स्क्वायर, ये हो जाएगा सीजीएस यूनिट ऑफ किसका, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का, ओके। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। अगर हम लोग डायमेंशन की बात करते हैं, किस इसकी बात करेंगे, डायमेंशन की बात करेंगे, लिखो यहां पे डायमेंशन, डायमेंशन की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, तो यहां पे पहले आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, मैं यहां लिख दूं, ठीक है, यहां पे देख लीजिए एम एल टी माइनस टू, ये किसकी डायमेंशन है, फोर्स की डायमेंशन है, फोर्स बोले तो न्यूटन, ये वाली आ गया, ये क्या है आपकी रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहां से एल स्क्वायर, डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा आपको, ठीक है एम स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये एम स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मास यहां दो है, तो एक मास से क्या हुआ, एक मास कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बच गया आपको, एम माइनस वन, एम माइनस वन यहां पे हो गया एल थ्री टी माइनस टू, एल थ्री टी माइनस टू, दिस इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की डायमेंशन है, क्या है उसकी डायमेंशन दे रखा है। अगर हम बात करते हैं वैल्यू की, अगर मैं बात करते हैं वैल्यू की, मैं आपको वैल्यू प्रूफ करूंगा किसकी वैल्यू उतना कैसे आती है, लेकिन मैं थोड़ा भी बता देता हूं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कुछ वैल्यू भी होती है, क्या होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अब यहां से इसके यूनिट आप लगा सकते हो, क्या यूनिट है आपका, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या वैल्यू है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, ओके। सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू बी फ्लैशबैक, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, बाय मैथमेटिकल यू कैन सॉल्व इट, एफ F is equal to capital Z m1 m2 by r square. What is the capital Z? Capital Z is a gravitational constant, right? So, what is the value of Z? 6.67 into 10 to the power minus 11 newton. This is a newton, okay? This is a newton. Newton meter square per kg square, right? अब यहां पे देखो, अब यहां से कैसे आई इसकी यूनिट, यहां पे कैपिटल Z, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, F into r square हो जाएगा, बाई एम वन इन टू हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये क्या है, न्यूटन है, ये क्या है मीटर स्क्वायर हो गया, ये क्या है केजी स्क्वायर, यूनिट क्या बन गया बच्चों यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दिस इज द एस आई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके।
अगर हम बात करते हैं सीजीएस, कभी कभी छोटे एग्जाम में पूछा जाता है सीजीएस की क्या होती है, तो ढाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम मीटर स्क्वायर, पर ग्राम स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बात आपको आ गया है। अब इस चीज को कहां अप्लीकेबल होता है, देखो हमारी प्लैनेटरी मोशन पे इसके अप्लीकेबल होता है, ठीक है। जैसे कि सन रिवॉल्व कर रही है, सन के चारों रिवॉल्व कर रही है, तो ये जब सोलर इक्लिप्स होता है, मोनल इक्लिप्स होता है, जितने भी हमारे एक दूसरे में सर्कुलेट करते हैं वहां पे भी ये अप्लीकेबल होती है। ऐसे जो नॉर्मल कंडीशन में हर जगह अप्लीकेबल होती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सन की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, मून की बात करते हैं, हाँ दूसरी बात अगर हम बात करते हैं किसके टाइडल एनर्जी की बात करते हैं, जो साइक्लोन आती है, तूफान आ रही है, ये सब सारा इसी लॉ पे फॉलो करती है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। तो ये मैंने आज का टॉपिक इतना बता दिया हूं, ठीक है। कल मैं बताऊंगा, ये तो बता दिया मैंने आपको किस चीज के लिए, फोर्स निकालने के बता दिया। ये वाली जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लोग आराम से क्या कीजिए, इसको कवर कर लीजिए। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स यही होती है mg m1 m2 / r2। ओके, सो फॉर टुडेज दिस इज द लास्ट, है ना। टुमारो ऑनवर्ड विल स्टार्ट अबाउट द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल आर। ओके, फिर हम लोग बताएंगे न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस्टरडे आई टॉक अबाउट ग्रेविटेशन एंड इन द ग्रेविटेशन वी टॉक अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मीन्स वी कैन से एज ए न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, कल हम लोग बात किए थे ग्रेविटेशन के ऊपर में। ग्रेविटेशन जो एक चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट की, लास्ट चैप्टर है क्लास 11 के, ठीक है। तो मैंने आपको कल बता रहा था किस इसके बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में बताया था आपको। ग्रेविटेशन मैंने बताया था क्या, ग्रेविटेशन क्या होती है, ग्रेविटेशन की फोर्स किसके बीच में अपोज करती है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मेन सवाल ये होती है कि ग्रेविटेशन फोर्स किसके किसके बीच में लगती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ के जितने डेरिवेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स में, जितने भी ग्रेविटेशनल आपको डेरिवेशंस पढ़नी है, ये टोटली ग्रेविटेशन बेस्ड ऑन है किसी पे, इलेक्ट्रोस्टेटिक पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें अभी मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन कल मैं दिया था आपको कि ग्रेविटेशन क्या होती है, ग्रेविटेशन फोर्स किसके बीच में अपॉर्ड करती है। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन होती है ना, इसकी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल क्या होती है, जिसके तहत से आपको मैंने फॉर्मूला प्रूव किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि ग्रेविटेशन की फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल जो यूनिवर्सल लॉ है, ये कौन कौन सा इफेक्ट पे वर्क करती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना होगा आपको। तो एक बार हम लोग फिर से फ्लैश बैक कर लेते हैं, थोड़ी सी बात ध्यान रखना हम लोगों को है कि हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आया था, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम, है ना, या फिर कुछ भी आप एम ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, आपके पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक एम वन है, एक आपके पास क्या है, एम टू है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है दो मासेस के बीच में अपोज होती है। तो यहाँ पर आप एम वन एम टू एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या है, कैपिटल जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, वेयर जी इज ए ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ z इज 6.67 × 10⁻¹¹. ओके, एंड मैं आपको ये भी बता रखा था इसकी यूनिट क्या होती है, ध्यान रखिएगा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की कभी कभी डायमेंशन भी पूछी जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको कल बता दिया था, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये बात करेंगे पहले आपको किस के बारे में, वेक्टर फॉर्म पे, किस पे बात करूंगा मैं आपको, वेक्टर फॉर्म पे बात करूंगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म पे बात करूंगा। उसके बाद मैंने आपको सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स के बारे में बताऊंगा, सुपर पोजिशन क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या होती है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्या इसके बारे में देखते हैं, आज की जो टॉपिक है ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर फॉर्म के बाद, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म में, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अब यहाँ पे एक बात आती है, सर वेक्टर फॉर्म क्या होती है, पहली बात ये समझना आपको है। जब यहाँ पे बात आ गई है वेक्टर फॉर्म, किसके बारे में आ गई, वेक्टर फॉर्म के बारे में आ गई, इसकी मतलब यह है कि उसकी हेड ऑन पे क्या रहती है, एरो की साइन रहती है। तो सर ये वाली फोर्स में और ये वाली फोर्स में क्या अंतर है,
जबकि ये वाली हमारी कौन सी फोर्स हो गई, ये कौन सी फोर्स हो गई। देखो बाबू यहाँ पे दोनों फोर्स सेम ही चीज है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होती है, डायरेक्शनल सेम होनी चाहिए, डायरेक्शनल उसकी होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है ठीक है, और दूसरी ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट इसकी मास हमारे पास m1 है, इसकी मास हमारे पास m2 है। ओके, मैंने कल बताया था आपको कि ये वाली ऑब्जेक्ट जो है ये इधर की ओर फोर्स अप्लाई कर रही है, और ये वाली ऑब्जेक्ट जो है इसमें फोर्स अप्लाई कर रही है। तो फर्स्ट वाली फोर्स लगा रही है सेकेंड पे, तो किस प्रकार से लिखा जाता है, फोर्स ऑफ 1/2, फोर्स ऑफ 1/2 एक वाले जो है दूसरी वाली पे लगा रही है ठीक है, और इसकी वेक्टर की साइन दी जाती है ना, एरो से साइन दी जाती है। सेकेंड वाली फोर्स किस पे लगा रही है, फर्स्ट पे लगा रही है। कभी कभी तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, गौर कीजिएगा, अगर आप रिलेटिव में अंदर फिजिक्स को फील कर रहे हैं तो देखने को भी लगा, जैसे कभी अगर वर्षा हो रही है ठीक है, वर्षा हो रही है तो बारिश की जो ड्रॉप गिरती है ना, तो बबल्स निकलती है वहां से, बबल्स उठती है, तो आखिर वो कैसे फील आ रही है आपको, ये मैं आपको इलास्टिसिटी वाली जो नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा उसमें। देखिए एक दूसरे के बीच में फोर्स लगती है, जब ये ड्रॉप गिर रही है ठीक है, तो नीचे से बबल जो है ना ये भी ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर उठती है, इसकी मतलब ये वाली फोर्स जो है ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जा रही है, तो ये ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर अपनी ओर अट्रैक्शन करती है, तभी ये क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है। दोनों में चार्ज फॉर्म होता है। जैसे कि अगर कभी आप ये देखे होंगे, अगर कभी आप पेंट को घोरे होंगे ठीक है, मतलब कि उसको अगर आप मिलाए होंगे उस इसमें डब्बा कंटेनर में, तो देखने को क्या मिला होगा कि पेंट से क्या होती है, ऊपर की ओर रिपल्सन होती है, मतलब कि ऊपर की ओर इलास्टिसिटी होती है, सोना में भी ऐसे होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट के बीच में, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स अट्रैक्शन होती है ठीक है। पृथ्वी भी ऊपर की ओर उठती है, जैसे कि सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं नीचे की ओर ड्रॉप कर रहा हूं तो पृथ्वी इसको अपनी ओर अट्रैक्शन करके खींच लेती है, लेकिन पृथ्वी भी ऊपर उठती है, लेकिन हम लोग को एहसास नहीं होता, फील नहीं होता, क्यों नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी की मास बहुत ही ज्यादा होता है। सपोज अगर हमारे पास इसकी मास कितनी है, अगर 5 kg है, 10 kg है, 50 kg है, 500 kg है, लेकिन पृथ्वी की मास कितनी होती है, 6×10^24 kg होती है। अब देखो ये 5 kg वाली मास और पृथ्वी की इतनी बड़ी मास है, बताओ दोनों में मास बहुत ज्यादा है, इसलिए छोटी वाली मास पृथ्वी की ओर खींचा जाती है, पृथ्वी कभी भी ऊपर की ओर नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, ये आपको हर स्केवेंडियन जो साइंटिस्ट उन्होंने ऐसे इसको प्रूव किया था किसी ऑब्जेक्ट को लेके, ये हम लोग आगे बताएंगे उस चीज में जब मैंने आपको इंटेंसिटी में बताऊंगा। आज की जो बात हमारे पास है वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये वाली फोर्स क्या लगा रही है, इसके ऊपर लगा रही है, तो मैं क्या लिखूंगा, सेकेंड अपॉन वन। ओके, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये वाली फोर्स की डायरेक्शन इधर है और ये वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसे क्या, किस साइड मिलेंगे हम लोग, माइनस मिलेंगे। ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन पे एक थ्योरी आती है, उस चीज को हम लोग जानेंगे, किसके बारे में, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस चीज को जान लेंगे तो ये वाली क्लियर हो जाएगी आपको, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों में क्या अंतर है। यहां पे देखिएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहा था, कि बोला था एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बोला गया था कि जितनी भी क्रिया हो रही है, एवरी एक्शन हैविंग देयर मस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे की ओर ये अगर रिवॉल्व की जा रही है, अगर इसको किया है, इसको अगर मैं ड्रॉप आउट किया, तो सरफेस भी क्या करता है, ऊपर की उतना ही फोर्स अप्लाई करती है। इसका मतलब है जितना मैं फोर्स नीचे की ओर लगा रहा हूं, नीचे भी उसको ऊपर की ओर का फोर्स लगा रही है। तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगी है, यहाँ पे कौन सी लॉ लगी है, न्यूटन की थर्ड लॉ लगा है, क्या होती है, एप्लीकेबल्स होती है ना। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ये भी बात वही है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर ड्रॉप कर रहा हूं ठीक है, जितनी फोर्स नीचे जा रही है उतना ही फोर्स में ऊपर की ओर एग्जर्ट हो रही है। अगर नहीं होता, सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं इस सर्फेस पे रखा हुआ हूं, तो इसको क्या करना चाहिए था, इसको यहाँ पे घटा करके नीचे गिर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रही है। यहाँ पे बैलेंस क्यों है, यहाँ पे आपके नॉर्मल क्यों है, इसलिए है क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है नीचे की ओर कितनी फोर्स लगा रही है, mg लगा रही है, वेट लगा कितना इसका mg है,
और इस एमवी को बैलेंस करने के लिए कौन सी फोर्स लगती है? नॉर्मल रिएक्शन लगता है। इसलिए नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू क्या होती है? एमवी होती है। मैंने इसको पहले बता चुका हूं। तो यहां पे क्लियरिफाई ये हो रही है दोनों तरह से, ठीक है। ये आपकी नाइन्थ क्लास में, ये आपको इलेवंथ में ही है, लेकिन इसके तहत मैं इस चीज को समझाने चाह रहा हूं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों इक्वल होती है। इक्वल करने का मतलब यह है कि जितना फोर्स ये नीचे की ओर लगाएगा उतना ही फोर्स नीचे वाला उसको अपर अपसाइड में लगाएगा। ये चीज आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने भी प्रूव किया था, जिसमें प्रेशर बैलेंसिंग थ्रस्ट ने प्रूव किया था कि जितने भी किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, पोटेंशियल एनर्जी अगर इस पर तुम अप्लाइड कर रहे हो, पोटेंशियल फोर्स अप्लाइड कर रहे हो किसी भी एरिया पे, तो क्या होती है? प्रेशर होती है, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन अगर किसी भी सरफेस पे अगर ऊपर से फोर्स लगाते हैं तो क्या इस बोला जाता है? सर थ्रस्ट है। क्या यह थ्रस्ट है? अगर वहां से सपोज डरली अगर आप अपने हाथ को हटा देते हो तो नीचे वाले भी क्या करता है? ऊपर की ओर अपवर्ड फोर्स एग्जिस्ट करता है, दैट फोर्स बी कॉल्ड एज ए बैलेंसिंग फोर्स। तो इसी को लेकर वहां भी बताया था थ्रस्ट और अपथ्रस्ट के बारे में, ठीक है। तो यहां भी ये बात आपको क्लियर हो गया है कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाता है और ये डिपेंड्स करता है, न्यूटन्स की थर्ड लॉ भी प्रूव करता है, न्यूटन्स की लॉ भी प्रूव करती है, ग्रेविटेशन भी प्रूव करती है, ठीक है। तो ये जो अपोजिट वाली जो फोर्स होती है वो कैसे लिखते हैं? हम लोग माइनस में लिखते हैं। क्लियर हो गया बात को? अब देखो वेक्टर फॉर्म में यहां पे क्या बच्चों ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बात कर रहा हूं, इसके बारे में बात कर रहा हूं। एफ इज इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर सर यहाँ माइनस क्यों आया? यहाँ पे माइनस क्यों आया समझना है। ये वाली जो माइनस है अपोजिट रिएक्शन है, ये फोर्स में तो माइनस नहीं होती है, अपोजिट वाली जो फोर्स लगा रही है ये वाली फोर्स इस पे लगा रही है। अगर ये वाली फोर्स इस पे लगा रही होगी तो उसकी आपकी फॉर्मूला ये बनेगा। लेकिन अगर हमारा पृथ्वी ज्यादा फोर्स लगा रही है किसी ऑब्जेक्ट पे तो आपको ये भी लिख सकते हैं, इसकी फॉर्म आती है वेक्टर फॉर्म में। सर ये वेक्टर फॉर्म में हो गया है, ये तो इसकी जस्ट उल्टा हो गया, नहीं हेलीकॉप्टर फॉर्म नहीं आया। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक रेडियल एक्सिस देते हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स लगा रहा है बाहर की ओर, ये फोर्स लगा रहा है बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर फोर्स लगा रहा है, और ये पृथ्वी क्या कर रहा है? अपनी ओर खींच रही है। ये क्या कर रही है? अपनी ओर खींच रही है, इनसाइड सेंटर की ओर, इनसाइड सेंटर की ओर खींच रही है। देखो रेडियल एक्सिस में ये कवर किया, इसकी ग्रेविटेशनल जो फील्ड है ये बाहर की ओर फोर्स लगाया और पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रही है। देखो इसकी एरो डायरेक्शन किधर है? अपनी ओर है। इसकी किधर है? बाहर की ओर है। ये आउटवर्ड डायरेक्शन है, ये इनवर्ड डायरेक्शन है, तो इसे बोला जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड, मैं बात करूंगा नेक्स्ट में। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? रेडियल एक्सिस को एक लिखते हैं, है ना, ये लिखते हैं किस में? आर कैप में, आर कैप में लिखते हैं। ये पता है आर यूनिट हम लगाते हैं। अब देखो बच्चों आपको ये पता है, मैंने आपको वेक्टर वाले ने बताया था कि आर कैप को, आर यूनिट वेक्टर को किस तरह से लिखा जाता है? आर वेक्टर डिवाइड बाई इसी का मैग्नीट्यूड होती है आर, ठीक है। क्या होती है आर? ये याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर में मैंने बताया था आपको, ठीक है, किसने बताया था? एन वेक्टर, एन वेक्टर डिवाइड बाई इसकी मैग्नीट्यूड। तो यहां पे क्या है? आर रेडियल है, रेडियल एक्सिस यहाँ पे है, डिस्टेंस बिटवीन आर है, इसलिए मैंने आर में लिया। अब देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं जी अपॉन एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ओके। अब देखो इस चीज को कैसे आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आर वेक्टर डिवाइड बाई आर, क्लियर हो गया। अब देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आर सिंगल है, क्या हो जाएगा? आर क्यूब, और ये हो जाएगा आर वेक्टर। दिस इज द फोर्स ऑन वेक्टर फॉर्म, यही क्या है आपकी फोर्स है वेक्टर फॉर्म में, ये फोर्स है आपको वेक्टर फॉर्म में। इसका मतलब क्या होती है? यूनिट वेक्टर है, वन वैल्यू जिसकी होती है, नो प्रॉब्लम, बट यहां पे डेरिवेशन आएंगे। फॉर्मूला हमेशा आपको यही यूज करनी है, कौन सी? ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है, लेकिन ये वाली फॉर्मूला सिर्फ वेक्टर फॉर्म में लिखी गई है कि अगर हम लोग आर वेक्टर अगर लेते हैं, आर यूनिट वेक्टर लेते हैं, तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू इस प्रकार से होता है, तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर क्यू और आर वेक्टर। दिस इज ये क्या आ जाएगा आपको वेक्टर फॉर्म में, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको बता रखा हूं, माइनस क्या है? इट इज ए अपोजिट फोर्स, क्या है? अपोजिट फोर्स है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये फोर्स आपको क्लियर हो गया है।
इसे बोला जाता है वेक्टर फॉर्म में ग्रेविटेशन। याद रखिएगा माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर। ओके, अब हम लोग ये बात करेंगे, किस इस पे बात करेंगे, आपकी नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। अब देखो हम लोग ग्रेविटेशन के आगे और जा रहे हैं, उसकी बात पढ़ेंगे, इनर्शियल मास के बारे में, ग्रेविटेशनल मास के बारे में, दोनों को कोरिलेट करेंगे। मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बता रहा हूँ। देखिए कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जेई के पर्पज से काम आएगा, इनर्शियल मासेस क्या है, इनर्शियल मासेस क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हम लोग ये करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन के मतलब कर सकते हैं द फोर्स विच इज एक्सटेंडेड ओवर ऑल सिस्टम ऑफ प्लेन एरिया इज इक्वल टू द नेट फोर्स ऑफ ऑल मासेस। ओके, यहां पे बात समझिएगा, द फोर्स विच इज एक्सटेंडेड ओवर ऑल सिस्टम, मतलब क्या बोला गया है बाबू, देखो एक हमारे पास सपोज एक सिस्टम है, एक हमारे पास क्या है, सिस्टम है। इस सिस्टम में रेडियल एक्सिस पे, रेडियल एक्सिस मतलब क्या होती है, मैं आपको रोटेशनल में और अच्छी तरह बता चुका हूं, रेडियल मतलब क्या होती है, किसी भी रोटेशनल पोजिशन पे जहां पे रेडियस उसको रेडियस के साथ क्या करता है, मूव करता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट हमारे पास यह है, दूसरी ऑब्जेक्ट यह है, तीसरी यह है, चौथी यह है, पांचवी है, छठी है, ठीक है। देखो इतनी सारी ऑब्जेक्ट है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है, क्या हमेशा लगती है क्या, लेकिन नहीं। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन का मतलब यहां पे यह है कि अगर हमारे पास पांच दस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर क्लास में स्टूडेंट अगर 10-20 स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट के बीच में, प्रत्येक स्टूडेंट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, प्रत्येक के बीच में लग रही है, नहीं लगी होती तो सारे लोग आके एक ही चिपक गए होते, ठीक है, एक दूसरे के बीच में लग रही है, बैलेंस में है वो। उसी प्रकार से यहां एक ऑब्जेक्ट है एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव एम सिक्स, ठीक है, इतना आपके पास है। तो क्या बोला है, द फोर्स विच इज एक्सटेंडेड ओवर ऑल सिस्टम, जितने भी सिस्टम में आपकी फोर्स है ये क्या है, एक्सटेंडेड किया हुआ है, ठीक है, ऑफ प्लेन एरिया इज इक्वल टू द नेट फोर्स ऑफ ऑल मासेस। इसका मतलब है टोटल का जो नेट फोर्स होगा उसी हमारा क्या होगा, उसकी मासेस की इक्वल होगा। मतलब देखो यहां पे ए वाली जो है इस पे फोर्स अप्लाई कर रही होगी, ये वाला जो है इस पे भी फोर्स अप्लाई कर रही होगी, ये वाला जो है इस पे भी फोर्स अप्लाई कर रहा हो, कोई जरूरी तो नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पे ये दोनों ही सिर्फ लग सकता है, नहीं ऐसी तो बात नहीं है, ये इस पे भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, इस पे भी कर सकता है, इस पे भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, ठीक है, ये इस पे भी कर सकता है। मतलब क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्ट है सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे लिखेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6, सिक्स पार्ट लिए हैं तो सिक्स लिख सकते हो, प्लस 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 यहां पे आप F अपॉन N कर सकते हो, नंबर ऑफ फोर जितने भी ऑब्जेक्ट है। अब इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, तो समेशन ऑफ F नेट, समेशन निकालेंगे हम, टोटल को क्या करेंगे, कहना क्या करेंगे उसको, नेट फोर्स निकालेंगे। तो नेट फोर्स निकालने के लिए बच्चों यहां पे क्या आएगा, समेशन निकालेंगे, कहां से कहां तक निकालेंगे, तो यहां पे आपको आ गया कि सर एम की वैल्यूज अगर वन है एक के बीच में और नंबर ऑफ फोर्स लगा रही है, जैसे एम इज इक्वल टू अप टू एम तक, मतलब कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है उसकी फोर्स, अगर दो ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी फोर्स, जितने भी ऑब्जेक्ट रहेगी सभी की फोर्स को क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे, सभी को हम ऐड कर देंगे, यही मेरा क्या निकल जाएगा, सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, इसी को बोला जाता है। टोटल मास की फोर्स को ऐड करने के बाद जो नेट फोर्स आएगी उसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन बोली जाती है। आइए मैंने इसमें कुछ आपको एग्जाम्पल के तहत समझाता हूं, ठीक है, ये आगे क्लियर हो गया आपको, क्या बोला गया है, टोटल फोर्स को क्या करना है, उसको
इंक्लूड कर देना है, एड अप कर देना है, ठीक है, और उसको आपको निकाल देना है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। जैसे कि हम आपके पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहां पे यह है, ध्यान रखिएगा कि सपोज एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहां है, दूसरी ऑब्जेक्ट यहां है, तीसरी ऑब्जेक्ट यहां, बच्चों अगर ये ट्रायंगुलर फॉर्म में बन रही है, ट्रायंगुलर फॉर्म में बन रही है, इसकी मास m दिया है, इसकी मास भी m है, इसकी मास भी m है, ये आपको ऋषि वर्मा की क्वेश्चन है, a b c, ओके, ये लेंथ कितना बाबू, a a a लेंथ है। पूछा क्या है, फाइंड द f मेट एट c, एट c, ठीक है, आप बताइए एफ नेट एट सी पे कितना होगा, सी पे, ये देखिए सी पॉइंट पे, फाइंड द एफ नेट कितना होगा। तो अब कैसे करना है, पहले समझना है यहां बात को, ठीक है, कैसे करेंगे सर, तो यहां पे ध्यान रखो, ये सी पे फोर्स लग रही है, सी पे फोर्स, अगर आप क्या सोच रहे होंगे, मुझे पहले एक बात बताओ, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसका फोर्स निकाल लेता हूं ये दोनों के बीच में, इसकी फोर्स निकाल लेता हूं ये दोनों के बीच में, ठीक है, और ये दोनों के बीच में मैं फोर्स निकाल लेता हूं, टोटल को हम ऐड कर देंगे तो हमारा फोर्स नेट निकल जाएगा, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, मैंने क्या पूछा हो, फाइंड द एफ नेट एट सी, सी पर एफ नेट कितना लग रहा है, सी पर फोर्स कितना लग रहा है, तो सी पर एक फोर्स लगाया है ए के द्वारा, सी पे फोर्स लगाया गया है बी के द्वारा, तो इसका मतलब है कि ये दोनों की फोर्स को और ये दोनों की फोर्स को ही ना सिर्फ ऐड करेंगे हम, ये वाले क्यों ऐड करेंगे, ये तो लग रहा है ये दोनों के बीच में, मैं पूछ रहा हूं सी पे, तो आप सी पे देखो कौन कौन सा फोर्स अप्लाइड हो रही है, सी पे एक मास है, दूसरी मास यह है, ये दोनों के बीच में भी एक फोर्स लग रही है, सी पे ये दोनों के बीच एक फोर्स लग रही है, इसका हम क्यों ऐड करेंगे यार, नहीं कर सकते हैं ना, अब देखो क्या कर सकते हैं, यहां पे एफ अपॉन यहां पे आ गया ए सी, ए सी पे क्या हो गया जी एम वन, एम वन एम तो क्या है बाबू, एम एम अगर क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, डिवाइड बाई ए स्क्वायर, अब देखो क्या आपके पास है, एफ बी सी इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, इसको मत ऐड करना, मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कि टोटल फोर्स को ऐड कर देना, टोटल फोर्स को ऐड वहां बोला जाएगा जब बोला जाएगा कि टोटल सिस्टम पे, टोटल कंटिन्यूअस बॉडी पे फोर्स कितनी लगी है तब निकालिए, ठीक है, या फिर वहां पर ए ऑप्शन में देगा ए बी के बीच में कितना लगा, बी सी में कितना लगा, ए सी में कितना लगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं सी पे सिर्फ, तो तुम दिमाग लगाओ सी पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, ये वाला लगा रहा होगा, ये वाला लगा रहा होगा, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये दोनों की कभी बात ही नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको एफ नेट निकालेंगे, तो टोटल को ऐड कर दो, जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ओके, अब यहां पे क्या आ जाएगा, यहां टू जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आपका क्लियर हो गया, ये फोर्स नेट निकल गया, क्या निकल गया, ये फोर्स नेट निकल गया। आइए दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, दूसरा एग्जाम्पल क्या देखा, अच्छा ठीक है, एक बार ध्यान रखिए, मैं इसी क्वेश्चन पे आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सप्लेन क्या कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, सी वाला फोर्स लगाया है ए पे भी, अच्छा ये पहला लिख दिया मैं, इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, फाइंड एफ नेट ऑफ सी, सी सॉरी एफ नेट ऑफ ए and B due to C, देखो पहली बात समझो, मैं क्या बोल रहा हूं कि find the F net of A and B due to C, इसको मैं एक्सेप्ट कर दूं, छोड़ रहने दो, मैं क्या बोल रहा हूं कि A पर और B पर C के द्वारा कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, देखो क्वेश्चन क्या घुमा हुआ है, क्वेश्चन क्या घुमा हुआ है, पहले मैं पूछा था C पर कितना फोर्स नेट लगा, तो ये दोनों लगाया था उस पर, लेकिन यहां पे बच्चों यहां पे ये समझिएगा कि मैं बोल रहा हूं कि ए और बी के द्वारा सी पर कितना फोर्स लगा होगा, इसका मतलब है सी ऑब्जेक्ट एक है और फोर्स लगाने वाला दो है, फोर्स लगाने वाला दो है, ए भी लगाया है बी भी लगाया है, तो हम क्या करेंगे, सी का एक कंपोनेंट लेंगे, देखो यहां पर कितना डिग्री में मिला सी है, 60
60 है, 60 है, ओके। देखो पोर्शन दोनों पोर्शन में चेंजिंग है, सी पर फोर्स, सी ने लगाया था ए बी पे, अब मैं क्या बोल रहा हूं ए बी के द्वारा सी पर कितना लगाया है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इस पे देखेंगे, ए लगा रहा है ये इस पे लगा रहा है, दोनों की कंपोनेंट निकालेंगे हम, कंपोनेंट निकालेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और यहां क्या आ जाएगा एफ कॉस थीटा, ये भी इस पे लगाया है, ये भी इस पे लगा रहा है, दोनों पे लगा रहा है उस चीज में, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये थीटा कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, अब आप निकाल लीजिए एफ नेट इज इक्वल टू, एफ नेट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, दोनों की कंपोनेंट लगा दोगे तो देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट इस पे लगाया है, दोनों कंपोनेंट में देख लो इस चीज से। अब एफ कितना होती है, एफ कितना होता है जी एम स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा, बोले तो कॉस 60, कॉस 60 वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस कितना होता है 1/2 प्लस यहां पे हो गया जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई ए, सॉरी ए स्क्वायर यहां हो गया 1/2, ओके। अब हम क्या करेंगे इस चीज को, 1/2 हम कॉमन लेंगे, 1/2 कॉमन लेंगे, मेरे पास कितना बन जाएगा 2gm² डिवाइड बाई ए स्क्वायर, 2gm² बाई ए स्क्वायर, 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, क्या बना मेरे पास gm² बाई ए स्क्वायर। देखो तो ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला क्लियर हो गया कि ये दोनों के बीच में हमारा फोर्स इतना ही लगता है, तो आप जिस प्रकार से बना सकते हो इसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग सुपर पोजिशन वाले पे इस प्रकार की क्वेश्चन मोस्टली पूछता ही है, आप इसको बना के है ना बनाइए इस चीज को, ऐसे क्वेश्चन को अगर इस पर हम लोग क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे क्या ले रहे हैं, एक हमारे पास क्या है रड है, ओके एक रड है, दूसरी क्वेश्चन है सॉरी तीसरी क्वेश्चन है, एक रड है, इसकी मास यहां पर दिया है एम, इसकी मास यहां दिया है एम, ये दोनों के बीच में रड के बीच में एक बाइसेक्ट किया गया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया गया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया गया है, एक रड निकाला गया है। आप ये मत सोचना कि सर इसकी लेंथ ज्यादा है इसकी लेंथ ज्यादा है, जो तुम ज्यादा कंफ्यूज करोगे ज्यादा माथा मत लगा रहा है, कंसेप्ट समझो ठीक है, यहां माथा मत लगाओ, मतलब यह है कि एक ही लेंथ है, उसको बाइसेक्ट के मतलब क्या होता है, दोनों का हाफ में काट दिया गया है, इसका मतलब L/2 है, या L/2 है, टोटल लेंथ कितना था L था। अब देखो ये वाली लेंथ हमारा कितना हो गया एल लेंथ, ये भी है एक, जितना रड ये लेंथ है उतना ही रड ये है, और इसकी मासेस यहां पे है ठीक है, एम मास है, ओके एम मास है। अब यहां पूछा है फाइंड द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मासेस, ठीक है। तो ए पॉइंट है या बी पॉइंट है, ये सी है डी है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि आपको टोटल फोर्स नेट मुझे बनाकर बताइए कितना होगा, ठीक है। फोर्सेस को समझो, पहले मेरी बात को समझो, देखो क्या करना है बाबू, हमारे पास एक रड है, ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको किताब में भरा हुआ है, 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भरा हुआ, लेकिन एक समझ जाओ पूरी बना लोगे तुम लोग, ठीक है। देखो मैं क्या दिया हूं, एक आपके पास एक लेंथ है, एक रड है एल, ठीक है। अब इसको बाइसेक्ट परपेंडिकुलर किया है, बाइसेक्ट मतलब बीचों बीच, ठीक है, उसकी लेंथ कितना है एल है, बस मतलब। अब क्या बोला गया है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ नेट फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए। अब तो यहां कंफ्यूजिंग वाले सवाल है, सवाल कंफ्यूजिंग वाले कुछ है ही नहीं है, अरे यार यहां भी मास है यहां भी मास है, यहां भी मास है यहां भी मास है, इसकी भी अपनी मास है, तो हम क्या करेंगे टोटल फोर्स को क्या कहते हैं, वो एक ही रड पे तीनों अटैक। अब हम क्या करेंगे तीनों को, हम क्या करेंगे फोर्स निकालेंगे और ऐड कर देंगे। पहली बात ये समझो कैसे निकालेंगे, आखिर सर मुझे इसकी है ना, अब देखो यहां पे तो बाइसेक्ट किया गया है, बाइसेक्ट मतलब 90 डिग्री पे है, तो यहां पे 90 बन रही है, यहां भी 90 बन रही है। अब देखो अगर हम इसे क्या करते हैं, इसे हम लोग हाइपोटेन्यूज अगर हम लोग इसको इंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये आपको ट्रिपल फॉर्म करते हैं। अब देखो यहां पे एक बात समझना, यहां पे तुम्हें एक बात समझना कि आपकी ये वाली कितना एंगल हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, जब ये 90 है तो दोनों को क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाली ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितनी लग रही है कंपोनेंट की तरह से, इस पे कितनी फोर्स लग रही है और इस पे कितनी लग रही है, तो पहला निकाल लो आप लोग एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए कितना हो जाएगा एफ, एफ कॉस 45 डिग्री, क्लियर हो गया।
अब चलेंगे हम एफ अपॉन, यहाँ पे कौन सा था, सी था ना बच्चों, सी था, एफ अपॉन सी, यहाँ पे आ जाओ एफ कॉस 90 डिग्री, एफ कॉस 90 डिग्री, क्लियर हो गया आपसे। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, ये भी आपकी 45 डिग्री है, तो एफ अपॉन बी एफ कॉस कितना 45 डिग्री, ठीक है। तो ये अब तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मेरी ये टोटल नेट फोर्स निकल जाएगी, टोटल नेट फोर्स निकल जाएगी। अब देखेंगे हम एफ अपॉन ए हमारा निकालते हैं, तो एफ अपॉन ए इक्वल टू जी एम, और ये दोनों के बीच में एम स्क्वायर डिवाइड बाई ए कितना है, यहाँ पे आर कितना है, एल बाई टू है, एल बाई टू है, तो क्या लेंगे हम एल बाई टू का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट आ गया। अगर हम एफ अपॉन किसके देखते हैं, सी को देखते हैं, सी को देखते हैं, जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई, देखो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, एल, तो एल स्क्वायर हो गया। अगर हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं बी का, तो यहां क्या हो गया, जी एम स्क्वायर, और इसकी लेंथ कितनी बच्चों, एल बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो लिख दिया आपको, लेकिन ये फोर्स निकली है इसकी कंपोनेंट की, जो एंगल है उसको आप एडवाइज करोगे, मैंने यहां पर लिख रहा हूं एफ नेट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए कितना है, जी एम स्क्वायर, यहां हो जाएगा एल स्क्वायर बाई फोर, एल स्क्वायर बाई फोर इंटू कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे क्या मैं वैल्यू डायरेक्ट लिखू, यहां लिख, चलो कोई बात नहीं, कॉस 45 वन बाई रूट टू, कॉस 45 वन बाई रूट टू। अब यहां पे देख लो कितना आ गया, प्लस कौन सी फोर्स आ गया आपको, एफ अपॉन सी का, एफ अपॉन सी का फोर्स कितनी है, जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब देखो यहां पे आपको कॉस 90 है, कॉस 90 है, साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कॉस 90 0 होगा, तो क्या मैं इसकी वैल्यू है ना 0 लिख दूं, क्लियर हो गया, प्लस जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर बाई 4। आखिर मुझे एक क्वेश्चन बताने का मतलब क्या हुआ, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, ये आ गया। अब देखो मैं यहां पे लिख सकता हूं इस प्रकार से, जी एम स्क्वायर यहां पे आ गया कितना, आ गया आपको एल स्क्वायर, एल स्क्वायर ये 4 क्या हुआ, ओपन क्यों गया, ये 4 बाई रूट टू, 4 बाई रूट टू, प्लस ये टोटल टर्म क्या हो गया, ये 0। अब क्या हो गया यहां से, जी एम स्क्वायर ये हो गया आपको, सॉरी यहां पे भी वैल्यू जाएगा 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू, क्योंकि यहां भी 45 बन रही है, 45 यहां भी बन रही है, तो जी एम स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू हो जाएगा 4 बाई, यहां पे क्या आ जाएगा आपको रूट टू। अब देखो ये चीज को याद करना, ये जो बात है यहां पे आप एक नोट बना के लिख दो, आखिर आप इसको सोल्व कर लोगे मुझे पता है, लेकिन नोट बना के लिख दो, एट एनी सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेविटी, या फिर वहां पर कर सकते हो आप ग्रेविटी, ये लिख दो ग्रेविटी इज जीरो, इज जीरो, हमेशा हमेशा किसी भी टर्म में, ठीक है, आपको सेंटर ऑफ मास पे कोई भी ऑब्जेक्ट की, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास सर्किल है, बताओ यहां पे सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 0 होगा, हमेशा याद रखिएगा सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 0 होगा। देखो ये चीज को मैं आगे आपको प्रूफ करूंगा जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, क्योंकि आपने शायद 9 क्लास में पढ़ा होगा कि जी की वैल्यू पॉजिटिव भी होता है, जी की वैल्यू निगेटिव भी होता है, जी की वैल्यू 0 भी होता है, ये किस टर्म में होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं माइनस होती है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है पॉजिटिव होती है, लेकिन एट द सेंटर पे, पृथ्वी के सेंटर पे आपकी जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो यहां पे सेंटर पे था, क्या था, सेंटर पे था, ठीक है। ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं करते, बट मैं आपको क्वेश्चन से कुछ समझा रहा हूं, लिख पा दिया मैं आपको, ठीक है, एट द सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। अब इसको क्या करो, यहां से वैल्यू निकाल दो, ये आपकी आंसर निकल जाएगी, ओके, जल्दी लिखो इसे, ओके। अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन और है, सुपर पोजिशन का एक क्वेश्चन और है आपके पास, एक ट्रायंगुलर फॉर्म में 3 ऑब्जेक्ट को रखा गया है, एक ट्रायंगुलर फॉर्म में 3 ऑब्जेक्ट को रखा गया है, इस पोजिशन पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये क्या है आपको, ए है, ये बी है, ये सी है, ओके। अब देखिए ये तीनों के साइड क्या दिया है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, हाँ। अब यहाँ पे पूछा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है फाइंड एफ नेट, एफ नेट ऑन ए,
फाइंड ए फ्लैट ऑन ए, सपोज यहां पे कैप्टन लिखो कैप्टन ऑफ, ठीक है, ए पे ए फ्लैट कितनी बन रही है, ए पे फोर्स ए फ्लैट कितनी बन रही है, ये क्लियर करना आपको। अब देखो ये वाले भी फोर्स इसमें लगा रही है, ये वाले भी फोर्स इसमें लगा रही है, दोनों फोर्स इसमें लगा रही है। आपको क्या करना है, अगर आपको दोनों की फोर्स को कंपोनेंट को ऐड कर देना है उससे भी क्लियर हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे कि देखो यहां पे एंगल कितना बन रहा है, 60 बन रहा है, यहां पे 60 बन रहा है, सोचना है आपको 60 बन रहा है, तो ये वाली ए पॉइंट पे जितनी नेट फोर्स लग रही होगी तो क्या करना है, नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, मतलब ये वाला भी इसके ऊपर लगा रहा है, ये भी इसके ऊपर लगा रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट और होता जो इसके ऊपर लगाता, सपोज मैं अगर दे देता कि सेंटर पे एक मास रखा हुआ है, सेंटर में एक मास रखा हुआ है और ये वाला इस पे कितना लगा रहा, तो सबसे पहली बात को जब सेंटर पर आ गया तो सेंटर वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसको बात ही नहीं करना है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, कहीं भी पूछेगा तो, ठीक है। लेकिन इस पे कितने लगा रही है, तो देखो क्या करना है, इधर की ओर आपके कंपोनेंट ले लो, कितना एफ कॉस सिक्सटी ले लो, इधर की ओर एक कंपोनेंट ले लो, कितना एफ कॉस 60, दोनों को आप क्या करो एफ नेट लगा आप निकाल दो, एफ कॉस 60 प्लस एफ कॉस 60, ओके। अब कितना हो गया, टू एफ कॉस 60, देखो यहां पे टू एफ कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू, ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, साइन 60 कितनी होती है, √3/2, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, ठीक है। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल, कितना बन गया आपके पास, एफ बच गया। अब एफ जो बच गया है, इस एफ के बीच में देखो एफ कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, यहां पर जी एम एम वाई आर का, यहां 1 2। अब देखो ये दोनों के बीच की बात है बच्चों, यहां पे एफ बराबर क्या होती है, ये वाली वैल्यू पुट कर दो, जी एम और एम एम दोनों अगर एम स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये वैल्यू निकल गया आंसर, ये आंसर निकल गया। इस प्रकार से आपको फाइंड कर लेना है, इस प्रकार से क्या करना है, फाइंड करना है। दूसरी क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, ठीक है, दूसरी क्वेश्चन और भी देखते हैं, आराम से निकालते रहिए, ठीक है, यहां ध्यान रखिए। अगर सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट 2A है, पहला ऑब्जेक्ट, देखो क्वेश्चन के पैटर्न समझना है, अभी तक मैंने आपको बताया था सुपरपोजिशन के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट 2A है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, आर डिस्टेंस है, ओके, यहां पर क्लियर हो गया आपको। अब पूछा है, अब पूछा यहां पे कि ये वाला ऑब्जेक्ट तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, 1 लगा रहा है 2 के ऊपर, तो 2 भी लगा रहा है, तो किस पे, 1 के ऊपर लगा रहा है, ठीक है। तो फाइंड द नेट फोर्स बाय 2m, फाइंड द नेट फोर्स बाय 2m, क्या पूछा क्वेश्चन, फाइंड द नेट फोर्स बाय 2m के द्वारा, 2m के द्वारा कितना फोर्स लग रही है, ये चीज आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसका फोर्स निकालेंगे, एक बार इसका फोर्स निकालेंगे, दोनों की फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स में क्या करेंगे, बड़ा वाला फोर्स से हम छोटा वाला फोर्स घटा करके हमारे नेट फोर्स निकल जाएगा। इसमें भी क्वेश्चन में इजी था, जैसे देखो यहां पे क्या हो गया, एफ इक्वल टू यहां पे हो गया आपको कितना, जी एम इंटू क्या, 2m डिवाइड बाई आर स्क्वायर, प्रथम बात हो गया, ये कौन सा हो गया, एम लगाया है 2m, एम लगाया है 2m पे, इसमें क्या हो गया आपको, एफ 2m लगाया है इसपे m पे, ठीक है। तो क्या हो गया, जी एम 2m बाई आर स्क्वायर। देखो अब वैल्यू यहां पे, ये वैल्यू भी उतना आ रहे हैं, ए वैल्यू भी सेम आ रही है, मैंने क्या पूछा हूं आपको, नेट फोर्स पूछ रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगा एफ 2m माइनस एम, नेट फोर्स बाय 2m, 2m के द्वारा नेट फोर्स कितनी आई है, तो बड़ा वाला फोर्स क्या करेगा, छोटा वाला फोर्स घटाएंगे हम, तो बड़ा वाला फोर्स देखो कितना है बच्चों, यहां पे जी 2m स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये वाला कितना है आपको, माइनस जी 2m स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, दोनों की वैल्यू क्या आ गया। तो ऐसे कंडीशन में
जब हमारा मास डिफरेंट हो और रेडियस दोनों की सेम हो, रेडियस दोनों की सेम हो तो उस कंडीशन में नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये पॉइंट बताने की जरूरत है, ये आपकी स्टेटमेंट में दिया हुआ है। व्हेन द मास इज डिफरेंट, व्हेन द मास इज डिफरेंट बट द रेडियस इज इक्वल बिटवीन ए टू ऑब्जेक्ट, देन व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स विल बी, है ना, यहाँ पे जीरो है, इसका मतलब यह है कि ये कोई इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट नहीं करेगा। तो ये बात समझ लीजिएगा। अगर इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बात यह रहती कि अभी हमारे पास, अभी आपके पास यहाँ पे एक और कीजिएगा, एक मास है, दूसरी मास एम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आए, अगर कुछ समय के बाद इन दोनों की मास हम डबल कर देंगे, मतलब इसकी मास क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, इसकी मास भी कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, तो बताइए ये रेडियस पे कितना इफेक्ट पड़ेगी। तो क्या मैंने आपको बताया था, किस चीज ने बताया था, आपको न्यूटन्स के यूनिवर्सल लॉ में बताया था। फर्स्ट क्या बताया था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस। देखो याद करो, मैं क्या बोल रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, दोनों की मास सेम, रेडियस आर है, अगर हम मास को इंक्रीज करेंगे, मास को इंक्रीज करेंगे तो रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगी। देखो बच्चों, यहाँ पे बताया गया था आपको f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, दूसरा मैंने क्या बताया था, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या है, यहाँ अगर हम फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो दोनों मासेस भी क्या करेंगे, उसके साथ भी फोर्स इंक्रीज करेगी, लेकिन अगर हम यहाँ फोर्स इंक्रीज करेंगे तो रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब यहां से आप निकाल सकते हो, यहां से आप निकाल सकते हो कि इसकी फोर्स निकालो, फोर्स इक्वल टू जी एम इंटू एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये इसका निकल गया। अगर इसकी बात करते हैं तो एफ इज इक्वल टू जी, टू एम है कितना हो जाएगा, फोर एम स्क्वायर डिवाइड बाई इसकी आर क्या हो जाएगी, आर भी इसका हाफ से घट जाएगा। तो ये आर था, इसका क्या हो जाएगा, जब मास बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा, बोले तो आर बाई टू का हॉल स्क्वायर। तो इस कंडीशन से आप निकाल सकते हो, इसकी फोर्स ये निकला है और इसकी फोर्स क्या निकल गया है, यहाँ पे फोर जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। तो यहां से आप देख लो कि इसमें इसके फोर्स में क्या डिफरेंस हुआ, इसके फोर्स में क्या डिफरेंस हुआ। तो इस कंडीशन से आप सुपरपोजिशन वाले वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो, चाहे जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चल रहे हैं, सुपरपोजिशंस वाले मैं क्वेश्चंस को फिर लेकर आऊंगा जब मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा आपको हाइट इंक्रीजमेंट पे या पोटेंशियल एनर्जी पे। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी के दोनों के बीच की रिलेशन देखेंगे, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे देखिए एक ऑब्जेक्ट आपके पास, ये ऑब्जेक्ट है ना, एक यहां पे बंदा सपोज खड़ा है पृथ्वी पे, ये क्या है आपका अर्थ है, ठीक है। अर्थ की मास कितनी होती है बच्चों, पता है मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 6 × 10⁴ kg आ गया। अब देखो अर्थ की रेडियस कितनी होती है, क्या पता है आपको रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर। ये किलोमीटर जो है आपको एसआई यूनिट नहीं है डिस्टेंस का, लेकिन ये केजी क्या है, एसआई यूनिट है डिस्टेंस किसका, मास का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर, सपोज अगर हम लोग भी पृथ्वी पर ही है तो हम नीचे की ओर कितना वेट लगा रहे हैं ये बताने के लिए टाइम नहीं है, ये मैं कितना लगा रहा हूँ, W इज इक्वल टू mg, लेकिन ये भी हमारे पास एक बड़ा वाला मास है और ये क्या है हमारे पास छोटा वाला मास है, ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, ये पहला इक्वेशन हो गया, F इज इक्वल टू जी कैपिटल m स्मॉल m डिवाइड बाई r स्क्वायर, ओके, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम कोऑर्डिनेट करते हैं, ये फोर्स है, ये भी तो हमारे फोर्स ही है वेट बराबर, तो मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम वाई आर स्क्वायर,
ठीक है, यहां से स्मॉल एन से स्मॉल एन कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आया है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। ये किसकी मास है? ये मास ऑफ अर्थ है। ये रेडियस कौन सी है? रेडियस ऑफ अर्थ है। तो यहां से जी इज इक्वल टू आया है कैपिटल जी है ना, मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो ये वैल्यू को आप जी की वैल्यू बैठा दीजिए 6.67 इंटू 10 को दी पावर -11 -11, मास ऑफ अर्थ को बैठा दीजिए 6 इंटू 10 को दी पावर 24, ठीक है 24, और सॉरी यहां वी नहीं है आर है, क्या है यह आर है। अब रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है? रेडियस ऑफ अर्थ इसको मीटर में तुम चेंज करोगे क्योंकि यह एसआई यूनिट नहीं है, इसको लिखोगे तो 64 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर। कभी कभी इस प्रकार से ऐसे लिखा जाता है 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर, ठीक है क्लियर हो गया उसे। तो आर की वैल्यू हम क्या लेंगे 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 के का होल स्क्वायर। इसे तुम जब सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है ये जो वैल्यू निकला है किसकी वैल्यू निकला है? जी का। तो जी के जो वैल्यू होता है कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे सॉल्व करके आप मुझे बताइएगा। और कभी कभी नॉमिनल में अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली जाती है, कितना ली जाती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आखिर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? ये एक्सीलरेशन है यार, इसी जी को बोला जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो जी की वैल्यू मैंने आपको बता दिया। कैपिटल जी स्मॉल जी में क्या अंतर है? कैपिटल जी जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, स्मॉल जी जो होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। कैपिटल जी कभी भी चेंज नहीं करता है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, लेकिन स्मॉल जी जो है वह चेंज करेगा डिपेंड्स अपॉन ए हाइट पे। अगर हम हाइट को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, सॉरी अगर मैं हाइट को इंक्रीज करूंगा तो जी की वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर हाइट मेरा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, तो जी की वैल्यू क्या करेगा? या इंक्रीज करेगा। कैसे? कैसे देखो, मैंने बताया था शायद आपको 9th क्लास में भी तुम पढ़ा होगा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है? माइनस में होती है। तो जब हम ऊपर फेंकेंगे तो हाइट इंक्रीज करेगा, तो हाइट इंक्रीज करेगा तो जी की वैल्यू माइनस में, बोलो तो जी डिक्रीज करेगी आपको। अगर हम वो ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर गिरा रहे हैं, ठीक है फॉल डाउन कर रहा होगा, तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो जी की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी इसका मतलब इंक्रीज कर रही है, तो हाइट क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा। किसके रिलेशन में? अर्थ के रिलेशन में। एट द सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। ये पॉइंट को याद कर लीजिएगा। तो आज मैं आपको बता दिया हूं रिलेशन बिटवीन जी कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। मैंने बताया आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। ओके, सो आज हमारा यही आपकी क्लास हो गई है। कल मैं आपको बताऊंगा किस चीज के बारे में, है ना। और जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आपको यहां भी बताएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होती है, उस चीज के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद फिर हम लोग लेकर जाएंगे, है ना, उसकी कोऑर्डिनेशन को लेकर जाएंगे कि अगर हमारा पृथ्वी के अंदर की ओर जा रहा है, कुछ हाइट पे जा रहा है, जैसे कि ये आपकी सर्किल है, ये अर्थ है, आपने बोले सर कि जी की वैल्यू यहाँ सेंटर पे जीरो होगा, लेकिन हम सेंटर पे नहीं जाएंगे, सेंटर पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, तब हमारा जी की वैल्यू क्या होगा? ठीक है, हम यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ जाएंगे तब जी की वैल्यू, ठीक है, ये बताइए। तो कल मैं आपको बताऊंगा हाइट रिलेशन, जिससे आप लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इस चीज को पढ़ोगे। सो फॉर टुडे अप टू यू, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस।